यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ हरियाणा की ओर से खेले खिलाड़ियों को ही राज्य सरकार सम्मानित करेगी, ये घोषणा खेल मंत्री अनिल विज ने की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि विभिन्न मंत्रालयों या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से खेलने वाले 11 खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा, यानी कि अब केवल हरियाणा की ओर से खेलकर पदक जीतने वाले 11 खिलाड़ियों 16 प्रतिभागियों समेत 87 खिलाड़ियों को ही पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले सीएम भी कह चुके हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरानी नीति के तहत ही सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया था कि किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हरियाणा के कुल 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 22 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। इनमें 11 खिलाड़ी रेलवे या अन्य मंत्रालयों की ओर से खेले। आपको बता दें कि सरकार ने पहले सभी विजेताओं के साथ प्रतिभागियों को सम्मानित करने का फैसला लिया था। इसमें शर्त थी कि सरकार खिलाड़ियों को मंत्रालयों से मिली राशि का कर पुरस्कार देगी, जिसके बाद में इस शर्त का कई खिलाड़ियों ने विरोध किया था, जिसके चलते सम्मान समारोह रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि अब प्रदेश के 60 अन्य खिलाड़ी भी सम्मानित किए जाएंगे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुके हैं, यानी 98 के इस बजाय अब 87 खिलाड़ी पुरस्कृत किए जाएंगे। खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि कार्यक्रम जल्द ही होगा, जिसकी तारीख सीएम से बातचीत कर तय की जाएगी। और हमारे साथ इसी बीच फोनलाइन पर इनेलो प्रवक्ता दलबीर धनखड़ फोनलाइन पर हैं। स्वागत है आपका दलबीर धनखड़ जी, खबरें अभी तक पर। दलबीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, दलबीर जी आवाज मिल रही है आपको? जी, दलबीर जी, सरकार की ओर से एक बार फिर से वही ऐलान किया गया है जैसे पहले कहा गया था कि जो हरियाणा की तरफ से खिलाड़ी खेले हैं उनको सम्मानित सरकार करेगी, जो दूसरे मंत्रालयों से खेले हैं उनको सम्मानित नहीं किया जाएगा। मैं बड़ा इस मामले में चिंतित हूँ, सरकार से रोज रोज नए नए फैसले किस तरह के ले पा रहे हैं ये पैसा नहीं लग रहा। आप एक बात बताइए, जब वो हरियाणा वासी हैं तो कहीं भी किसी डिपार्टमेंट से खेलो, नाम तो देश का प्रदेश का रोशन कर रहे हैं ना, उसमें समस्या क्या होती है? ये नया तरह के मामले जो लाते हैं सरकार वाले, ये भाईचारे को बिगाड़ने का, प्रदेश को बांटने का हर मुद्दा ऐसा ही क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी का? जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता भी फोनलाइन पर है। स्वागत है आपका रंजिता जी, खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद जी। रंजिता जी, एक बार फिर से सरकार की ओर से यही फैसला लिया गया है, खेल मंत्री अनिल विज की ओर से यही ऐलान किया गया है कि हरियाणा की तरफ से जो खिलाड़ी खेले हैं उन्हीं को सम्मानित सरकार करेगी। पहले भी इसको लेकर बवाल जो है हरियाणा प्रदेश में हो चुका है, खिलाड़ी जो है वो अपना रोष जता चुके हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देती है, और दूसरी तरफ खुद ही भेदभाव करती है। अनिल विज साहब जो अपने आप को गब्बर कहलाते हैं, ऐसे डिसीजन लेकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? एक तरफ तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि इतने मेडल हरियाणा की वजह से, हरियाणा के खिलाड़ियों की वजह से हरियाणा में आए, और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करके हम हरियाणा के खिलाड़ियों का मोराल है वो डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनको एक प्रोत्साहित करने की बजाय उनका जो एक लेवल है उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके जो अनिल विज साहब है कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी, अपनी तानाशाही, उस रवैये को उनको ठीक करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में खिलाड़ी और युवा और जितने भी लोगों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं वो इनको आने वाले समय में जवाब दे देंगे। इनकी मानसिकता का समझ में नहीं आता कि किस मानसिकता से ग्रस्त हैं, कभी कोई डिसीजन, कभी कोई। जी, क्या इनेलो को भी लगता है कि तानाशाही रवैया जो है अपनाया हुआ है खेल मंत्री की ओर से? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ हरियाणा को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। क्या वो प्रदेशवासी नहीं है? चाहे किसी सेना में है या कहीं भी काम कर रहे हैं, है तो प्रदेश का हिस्सा, प्रदेश छोटो में कह रहा हूँ, देश एक होना चाहिए, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, छोटो में तो भारतीय वर्ष एक है। क्या दिक्कत है इनको? पता नहीं क्या हो इस तरह का बांटने का काम करे, इनका बिगड़ क्या रहा है, इस काम करने में इनको दिक्कत क्या आ रही है?
हर चीज में बंटवारा क्यों चाहते हैं ये? ये एक जनता का विषय है, प्रदेश जनता के लिए आने वाले समय में नहीं, हर चीज में बंटवारे की बात आप करें, हर चीज में बंटवारा चाहती है जो प्रदेश सरकार है, बीजेपी की सरकार है। लेकिन रंजिता जी, क्या सरकार की ओर से अगर कहा जा रहा है कि जो दूसरे मंत्रालयों से खेले हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें पुरस्कार दिया गया था, राशि उनको दी गई थी, अगर उसको काट कर जो है हरियाणा सरकार बराबर कर दी खिलाड़ियों की राशि को जो हरियाणा के खिलाड़ियों को दे रहे हैं या फिर दूसरे मंत्रालय को, तो फिर यहाँ पर जो है गलती यहाँ पर क्या है, सरकार जो है यहाँ पर कहाँ जो है कमी नजर आ रही है सरकार की तरफ से? मुझे एक बात बताइए, जो बाकी मंत्रालय हैं या बाकी विभाग हैं, क्या वो हरियाणा से अलग हैं? या तो आप ये कहिए कि आप पैसा बचाने के चक्करों में हैं, आपको बचत पहले दिख रही है, आप दिन पर दिन हरियाणा से कर्जा तो चढ़ा रहे हैं, पर अगर प्रोत्साहन के नाम पर बच्चों ने कुछ किया है तो उनको देने में आपको बंदरबात नजर आती है। आपको लगता है कि यहाँ से पैसा बचाकर किसी आश्रम में किसी बाबा को दान दिया जाए वो बेटर है, पर 11 जो खिलाड़ी हैं उनका मोरल डाउन किया जाए वो ज्यादा अच्छा है? कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता, अपने उसको चेक कराने की जरूरत है। पहले हॉस्पिटल में अपना इलाज अनिवृत्त जी कराएं, रोज ऐसे ऐसे बयान देकर, ऐसी ऐसी भाषणबाजी कर वो लोगों को परेशान भी कर रही हैं और खिलाड़ियों को हैरान भी कर रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजिता मेहता जी, बहुत शुक्रिया दलबीर जी आपका भी जुड़ने के लिए खबर अभी तक के साथ में। तो खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात एक बार फिर से सरकार की ओर से कही गई है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले हैं बस उन्हीं खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, बाकी खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से सम्मानित नहीं किया जाएगा। उधर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में रविवार को राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इसके अलावा शहर से भारी संख्या में बच्चों और बड़ों ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गिल्ली डंडा खेलकर अपने बचपन के दिनों को याद किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिला स्तर के साथ कस्बों में भी इसे शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष से राहगिरी कार्यक्रम को लेकर राजनीति करने को भी कहा है और साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं कुरुक्षेत्र के बाद सीएम करनाल के मुनगांव के स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने के लिए करनाल पहुंच गए हैं और दोपहर बाद पुलिस अकादमी मधुबन में पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सफीदों में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत मुख्यमंत्री आज करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं रूप मंत्रा और पेट सफा।